हेलो फ्रेंड्स, होम फूड्स बाय चंचल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चने भुने हुए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे काले वाले चने ले लिए हैं, आप देख सकते हैं, इन्हें आज हम भूनेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक को लो टू मीडियम पे अच्छे से गरम कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसके लिए हमने लोहे की कढ़ाई ली है जिसका तला भारी है। तो इसमें हम पहले थोड़े से चने डालेंगे और इस आँच को हम मीडियम ही रखेंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। अब बाहर से मार्केट से लेके चने तो हर बार खाते हैं, इस बार घर पे ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े पसंद आएंगे। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। हमें इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा नमक अच्छे से गर्म होना चाहिए। इसे हम चलाते जाएंगे, आप देख सकते हैं हमारे चने फूटने स्टार्ट हो गए हैं। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे जले नहीं। आप देख सकते हैं हमारे चने कितने अच्छे से फूट रहे हैं। हमारे चने फूट चुके हैं, अच्छे से भुन गए हैं। अब इन्हें हम साइड में निकाल लेते हैं, आप देख सकते हैं। अगर इन्हें हमने और थोड़ी देर पकाया तो ये जल जाएंगे। इन्हें हम साइड में एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम अपने बाकी के चने भी भून लेंगे लगातार चलाते हुए। इन्हें भी हम साइड में निकाल लेंगे अच्छे से छान के। हमारे सभी चने भुन के तैयार हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भुन गए हैं। हमें इसमें खाली इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो नमक है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो अगर हमारा नमक गर्म नहीं हुआ तो हमारे चने अच्छे से नहीं भुन पाएंगे और जल जाएंगे। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताएगा आपको कैसे लगे। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल होम फूड्स बाय चंचल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।